हमने दो नंबर की जाली लगाई हुई है, आटा एकदम फाइन आएगा, गोल आटा नॉर्मली। इसमें आप ये देखेंगे कितना फाइन आया है, आपको मैं यहीं से दिखाता हूँ, ये देखें कितना फाइन एकदम पाउडर हो गया है। सर ये मैं जो आपको लाया हूँ स्मार्ट आटा चक्की लाया हूँ, ये मेरा टीवीसी मॉडल है, टॉप मॉडल है। आप इसके अंदर वैक्यूम की मोटर दी गई है, बाकी फंक्शंस ये बोल के बताती है। ये 1 HP की मोटर के साथ है, 5.5 किलो का इसका हॉपर साइज है, कंटेनर साइज आपका 6 से 6.5 किलो का है। 1 घंटे में 8 से 10 किलो आटा आप आसानी से बना सकते हैं, और 1 घंटे में जो आपका ये बिजली लेती है वो 0.75 यूनिट लेती है, मतलब स्मार्ट आटा चक्की। फंक्शन इसमें 7 प्रकार की जालियां दी जाती है मोटा बारीक करने के लिए, ये देख रहे होंगे जिस नंबर की भी जाली लगाएंगे उस हिसाब से हो जाता है। बाकी मशीन को मैं ऑन कर रहा हूं, अभी ऑन करके आपको अनाज जब इस मशीन में जाएगा तभी ये मशीन चलती है। अब ये मशीन हमने चला दी है, आपके सामने सब बोल के बताएगी। जी सर ये एक बहुत बड़ा जादू है, ये जादू का पिटारा है, इसमें जब डालेंगे तो पाउडर ही मिलेगा हमारे को। ओके, अब उसने बोला है अनाज डालने के लिए, और ये अब हम अनाज डाल रहे हैं, अब अनाज डालेंगे तभी मशीन चलेगी। अनाज डालते ही हम ये मशीन चल गई, आप देखेंगे साउंड भी ना के बराबर है। ये फुली ऑटोमेटिक है सर, सेंसर बेस्ड है, एकदम फुली ऑटोमेटिक। हमने 2 नंबर की जाली लगाई हुई है, आटा एकदम फाइन आएगा, गोल आटा नॉर्मली। और जो इसका आटा होता है वो विद फाइबर होता है, आप सोचें कि इसके फाइबर को निकाल के साइड में कर दे तो नहीं कर सकते, फाइबर का फॉर्म भी आटे के फॉर्म में ही होता है, आटा हम जब भी खाएंगे विद फाइबर ही खाएंगे। सर ये बाजरी जैसे बाजरी वगैरह मक्का वगैरह हमें अगर पीसना होता है तो उसके लिए मोड 1 पे चलाना होता है, नॉर्मल गेहूं बेसन वगैरह पीसना है तो उसको मोड 2 पे चलाते हैं। चलती चक्की का दरवाजा खोलते हैं तो स्टॉप हो जाएगी, चाइल्ड सेफ्टी लॉक है, जब तक ये दरवाजा नहीं बंद होगा तब तक ये मशीन चलेगी नहीं, ये बच्चे की सेफ्टी के लिए लगाई गई है, और ये बताएगी भी कि हम जब तक सामने का दरवाजा बंद करें, मुख्य दरवाजा बंद करें। एक लॉक सिस्टम भी है, आप इसको इससे लॉक भी कर सकते हैं। देखें दरवाजा बंद करते ही मशीन चल पड़ी। सर ये मशीन देखने में तो बहुत सुंदर है, बहुत शानदार लग रही है, गेहूं खत्म होने वाला है, जब गेहूं खत्म हो जाएगा उसके बारे में भी बताएगी ये। अब खत्म हो जाने के बाद 2 से 3 मिनट खाली चलती है अपने आप को, वैसे भी 90% क्लीन करती है, अंदर आपके जो चैम्बर में है उसमें जरा सा भी गेहूं नहीं बचेगा, 2 से 3 मिनट ये खाली चलेगी, और हमें अभी स्विच ऑफ नहीं करना है, वो जब स्विच ऑफ करना होगा तो वो भी ये हमें बताएगी, ये ऑटोमेटिक सारा काम कर लेगी, सब कुछ ऑटोमेटिक। आप गेहूं डाल के कहीं घूमने भी जा सकते हैं। अब आपने देखा कि ये इसमें अनाज खत्म हो चुका है, चक्की अपने आप बंद हो चुकी है, वो हमें इन्फॉर्म कर रही है कि आटा हमारा तैयार है। अब मैं आपको आटा दिखाऊंगा, अब ये पिस चुका है आटा, आटा भी देखेंगे हमारा नॉर्मली, मतलब पत्थर वाली चक्की के अकॉर्डिंग बहुत ठंडा रहता है। इसमें आप ये देखेंगे कितना फाइन आया है, आपको मैं यहीं से दिखाता हूँ, ये देखें कितना फाइन एकदम पाउडर हो गया है जी, और ये 2 नंबर जाली का है, अगर हम इससे मोटा खाना चाहते हैं तो 2.5 नंबर 3 नंबर जाली पे भी जा सकते हैं। तो सर ये कंटेनर का स्टोरेज कितना है? ये सर 6 से 6.5 किलो का है जी। देखेंगे सर मैं आपको चैम्बर में दिखाता हूँ, इसमें आपका ये पूरा ऐसे पीसती है, ये ब्लेड होता है जो घूमता है, हवा के प्रेशर से अनाज को उड़ाता है और यहाँ से तोड़ता है, और जिस साइज का हमारा ये होता है उस साइज का आटा बनके हमारे कंटेनर में चला जाता है। इसमें एक वैक्यूम की मोटर दी गई है, इसकी साफ सफाई के लिए होता है, आप देखेंगे ये वैक्यूम का यहाँ पे एक बटन दिया गया है, इस बटन को हम दबाएंगे तो वैक्यूम ऑन हो जाता है, और ये हम यहाँ से हम इनको सफाई कर सकते हैं, ये देखेंगे ये खींच लेता है, ये ऐसे करके ये खींच ले रहा है, जाली हमारे को इस तरीके से निकालनी होती है, ये जाली ऐसे निकाल के जाली ऐसे आसानी से हम लगा सकते हैं। जाली लगा लेने के बाद हमारे को ऐसे घुमा के एक बार चेक करना होता है कि कहीं कोई चीज फंस तो नहीं रही है। सलामती है इस आटा चक्की को लेने का क्या तरीका है? सर इसके लिए अगर आप हमारे शोरूम पे आना चाहें तो हमारे E77 वेस्ट विनोदनगर पड़पड़गंज में आके ले सकते हैं, बाकी आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए जा रहे हैं, आप उस पर कॉल करके भी अपने घर पर मंगा सकते हैं, ऑल इंडिया सप्लाई यहीं से है, बाय कोरियर बाय ट्रांसपोर्ट आपके घर पर भिजवा दी जाती है।